हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आप देख रहे हैं दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी दिव्यांगों के हित में खड़ी है। दिव्यांग हो, विधवा हो, विरत हो, जो भी दिव्यांग विधवा विरत को परेशानी है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी कार्य करने जा रही है और अपने जो पद हैं पदाधिकारियों को उतारने जा रही है। पूरे भारत के अंदर प्रदेश के अंदर पद दिए जाएंगे। फिलहाल जो है जिला बिजनौर के अंदर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की जिला बिजनौर के अंदर कभी इतनी बड़ी मीटिंग नहीं हुई है जितनी बड़ी मीटिंग राष्ट्रीय विकलांग पार्टी की जिला बिजनौर के अंदर होने वाली है। देखिए, ये वीडियो ग्रुप में छोड़ी जाएगी। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है फिलहाल वो राजकुमारी शुक्ला जी हैं, जो दिल्ली में रहती हैं, और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का रजिस्ट्रेशन बरकरार है। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी एक राजनीतिक पार्टी भी है जिसमें चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आने वाले इलेक्शन में हर प्रदेश में अपने विकलांग दिव्यांगों को जो है टिकट देगी। जो भी कार्य करना चाहता है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से कॉन्टेक्ट कर सकता है। राष्ट्रीय महासचिव अकरम अंसारी जी राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के हैं, उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिजनौर के अंदर अभी पद खाली हैं, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के काफ़ी सारे पद खाली हैं। जब मीटिंग होगी, जो भी कोई पद लेना चाहता है राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का, अपनी ईमानदारी से काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से कॉन्टेक्ट कर सकता है अकरम अंसारी से। ये वीडियो ग्रुप में छोड़ी जाएगी। पद अभी काफ़ी सारे खाली हैं, जिला बिजनौर के अंदर 2-3 पद ही बनाए गए हैं, और जो भी ईमानदारी से काम करना चाहता है तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़े और एक समाज सेवा कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आपकी हर मुसीबत में खड़ी है। कोई दिव्यांग विधवा विरत को सताता है, लड़ाई झगड़ा करता है, किसी की पेंशन नहीं आ रही है, किसी का आवास बना हुआ नहीं है, जो लीगल जो सरकार की तरफ से योजनाएं आती हैं, जो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी आपके हित में खड़ी है, अगर किसी योजना का लाभ आपको नहीं मिल रहा है तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े हैं, आपको योजना का लाभ दिलाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का साथ दें। देखिए, जब तक दिव्यांग विधवा विरत एक नहीं होंगे तब तक दिव्यांगों को यही समस्याएं मिलती रहेंगी। अब जितने भी बार मीटिंग ली जाती है तो सभी दिव्यांग विधवा विरत को मीटिंग में जाना चाहिए। इससे क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं, जब जनसंख्या ज़्यादा दिखाई देगी, धरना प्रदर्शन किया जाएगा, तो सरकार की नज़र में दिव्यांगों की कुछ अहमियत बढ़ेगी। जिला बिजनौर के अंदर दिव्यांग विधवा विरत जो है लगभग 50,000 के आसपास है, और जब मीटिंग की जाती है तो लगभग 5-10 ही पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, जो समस्याएं होती हैं, जो भी योजना आती है तो सभी को योजना मिलेगी। जैसे फिलहाल मीटिंग ली जा रही है पेंशन बढ़ोतरी की, तो जब पेंशन बढ़ेगी वो सभी की बढ़ेगी ना, तो सभी को पहुंचना चाहिए। आदमी सोचता है भाई मीटिंग में क्या मिलेगा, जाने से हमारी पेंशन तो आ रही, भाई ऐसा नहीं है, आदमी को सभी को पहुँचना चाहिए। जब एक साथ लड़ाई करेंगे, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, तभी तो हमारी मांगे पूरी होंगी। और जो ये समाज सेवा कर रहे हैं, जो भी 2-4 व्यक्ति हैं, अगर वे भी अपने घर पर बैठ जाएं, जो आज यूपी के अंदर 1,000 रुपये पेंशन दी जा रही है, तो ये पेंशन भी मिलना बंद हो जाएगी। जब सरकार की नज़र में इसकी अहमियत ही नहीं रहेगी कि दिव्यांग व्यक्ति कौन है, कहाँ है, कितनी जनसंख्या है, तो पेंशन बढ़ेगी कहाँ से? यही कारण हो रहा है जिस वजह से पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यूपी के अंदर 5,500,000 जो है दिव्यांग विधवा विरत है, और जब धरना प्रदर्शन किया जाता है, चाहे सीएम आवास पर दिया जाए या केंद्र आवास पर दिया जाए, तो जनसंख्या मुश्किल से 500 नहीं हो पाती है। लाखों की तादाद में जनसंख्या है पूरे भारत में, करोड़ की तादाद में, और धरना प्रदर्शन में मुश्किल से 500 तक पहुँच पाते हैं। तो देखिए, ये जो एकजुट होना है, संगठन काफ़ी चल रहे हैं, पर सभी संगठनों को एक ही बैनर तले आ जाना है। जब सीएम आवास पर धरना दिया जाए या जिला अधिकारी को धरना दिया जाए, तो सभी संगठनों को एक साथ मिलकर धरना दिया जाना चाहिए, क्योंकि मांग जो है सभी की एक है, किसी की मांग अलग नहीं है। देखिए, दिव्यांग की मांग क्या है? सबसे पहले या तो दिव्यांग की पेंशन 5,000 रुपये महीना की जाए,
या दिव्यांग को कोई ऐसा रोजगार दिया जाए वो अपने पालन पोषण आसानी से कर सके, दिव्यांग को आवास दिया जाए, दिव्यांग को रोजगार दिया जाए। आप अपने एरिया में देखिए, अपने ग्रामीण में देखिए, अपने गांव के अंदर देखिए, जो राशन कार्ड योजना है अंत्योदय की, वो गरीब के लिए है, दिव्यांग के लिए है। दिव्यांग से बढ़कर गरीब कौन होगा जो चलने फिरने में असमर्थ है, जो बेरोजगार है। और जब उसकी लिस्ट देखेंगे आप राशन कार्ड की, अंत्योदय राशन कार्ड की, तो उसके अंदर एक पात्र लोग मिलेंगे जिनके अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं, जिनके पास चार पहिया वाहन है, टू पहिया वाहन है, तो उनके जो है अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं। और दिव्यांगों के अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए नहीं है, ऐसे आवास का मामला है। जब आवास आते हैं जिसके चार चार बेटे कमाने वाले हैं, जो दिव्यांग है उसका कुछ नहीं, और जो चार चार बेटे कमाने वाले हैं, दो दो बेटे कमाने वाले हैं, खेती भी है, एक एक एकड़ दो दो एकड़ खेती भी है, उसका सरकारी आवास बना हुआ है, और दिव्यांग का आवास बना हुआ क्यों नहीं है? दिव्यांग को पता ही नहीं चल पाता है कब योजना आई और कब चली गई है। इसका रीजन क्या है? इसका कारण यही है, क्योंकि दिव्यांगों के अंदर एकता नहीं है। सभी दिव्यांगों को एकजुट होना है, जिसकी जो भी समस्या होगी उसकी समस्या को एक साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करनी है। जितने भी संगठन है, सभी संगठनों वालों को एक साथ मिलकर सभी की मदद करनी है, फिर हम देखते हैं कैसे आपकी समस्या दूर नहीं होती है। किसी एक दिव्यांग विधवा विरत पर कोई परेशानी आ रही है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो कम से कम 20-25 आदमी एक साथ जब उस अधिकारी के पास जाएंगे तो हम देखते हैं उस व्यक्ति का काम कैसे नहीं हो पाता है। ये अब हमें जिला बिजनौर के अंदर से काम स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह से काम स्टार्ट करना है पूरे भारत के अंदर। एक भी विकलांग दिव्यांग सांसद या विधायक बन जाए तो संसद में जाकर अपने हक के लिए लड़ सकता है, अपने हक के लिए बोल सकता है। तो सभी को एकजुट होना है। फिलहाल आचार संहिता लगी हुई है, हमारे यहाँ पर पहला चरण हो चुका है, अब हम परमिशन लेंगे। जिस तरह से अगर हमें परमिशन मिलती है तो बहुत जल्दी जिला बिजनौर के अंदर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का एक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी बहुत बड़े लेवल पर, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी पूरे भारत में धरना प्रदर्शन करेगी। और जिस किसी को राष्ट्रीय विकलांग पार्टी में काम करना है, चाहे सकलांग व्यक्ति हो, समाज सेवा सकलांग भी कर सकता है, दिव्यांग भी कर सकता है, तो राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के साथ जुड़े और एक समाज सेवा करें और एक दूसरे की हेल्प करें और राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के साथ जुड़े। देखिए, बहुत जल्दी आने वाले टाइम में 10-15 दिन के अंदर अंदर पूरे भारत का एक ग्रुप बनाया जाएगा राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर। तो सभी जितने भी दिव्यांग विधवा विरुद्ध हैं, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के साथ जुड़ना है ग्रुप में, और पूरे भारत के अंदर जो है पद बांटे जाएंगे और अपने एरिया में, अपने जिले में, अपने प्रदेश में बहुत अच्छे से कार्य करना है। हर जगह पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला बिजनौर के अंदर जो पहला चरण था चुनाव का, वो हो चुका है हमारे यहाँ पर। तो जैसे हमें परमिशन मिलती है तो जिला बिजनौर के अंदर एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम एक प्लान बना रहे हैं, जिला बिजनौर के अंदर जब धरना प्रदर्शन किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पहुँचे और चाय नाश्ता का इंतजाम भी किया जा सकता है। तो देखिए, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, यार हम भूखे रहते हैं, धरना प्रदर्शन किया जाता है, कोई हमें पानी को भी नहीं पूछता है। तो देखिए, जिला बिजनौर के अंदर राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का जब धरना प्रदर्शन होगा तो उसमें चाय पानी नाश्ते की कोशिश की जा रही है, चाय पानी का नाश्ता किया जाएगा। और ऐसा न सोचे कि हमारी तो पेंशन आ रही है, हम जाकर क्या करेंगे। भाई, जाना सभी को है, जब योजना आएगी तो सभी को मिलेगी। आप एक ही आदमी पर सारा काम ना सौंपे, एक आदमी नहीं लड़ सकता है, सभी को साथ में मिलकर लड़ना होगा, सभी को साथ में मिलकर योजना का लाभ उठाना होगा। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दिव्यांग सहारा यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो जो भी सरकारी योजना आती है, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का जो भी कार्यकारिणी चलती रहेगी, इसी चैनल पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग विधवा ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से जुड़ सकें और जो भी योजना आए राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के जरिए, इस ग्रुप के जरिए, इस वीडियो के जरिए, उस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।